देश में बढ़ रहे कृषि विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का प्रदेश कांग्रेस समर्थन करती है और आने वाले दिनों में कांग्रेस रणनीति तैयार कर हिमाचल में भी सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताएगी। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष व सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्र सरकार जिन किसानों के लिए कृषि विधेयक लेकर आई है वे ही इस बिल के कारण असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं राजेंद्र राणा ने सांसद व केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 9 महीने से लापता होने और जनता के सुख न लेने की बात कही। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि कृषि विधेयक का किसान विपक्ष दल के अलावा एनडीए के सहयोगी दल भी विरोध कर रहे हैं, मगर भाजपा सरकार घमंड में चूर होकर इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने और उनकी आवाज को अनसुना करने के आरोप भी लगाए हैं। ऐसा है कि ये जो कृषि बिल विधेयक जो लेके आई है भारतीय जनता पार्टी, ये पूरे देश में किसान इसकी खिलाफत कर रहे हैं। और जब जिन लोगों के लिए कानून तैयार किया जा रहा है, अगर वही लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, किसान जो है वो 90% लोग जो है आज गांव में रहते हैं और किसान जो है वो देश को अन्न देता है। ये वही देश है जहां विदेशों से भी अन्न लाना पड़ता था, आज ये देश में भी अन्न पैदा कर रहा है और विदेशों को भी भेज रहा है। अगर वही लोग सुरक्षित नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वही इसकी खिलाफत कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनको समझ आनी चाहिए। परंतु ये सरकार जो है घमंड से चूर है और किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और ये जो किसान विरोधी बिल आया है इसकी सब लोग जो है मुखालफत कर रहे हैं। किसान सड़कों पे उतर आए हैं, परंतु ये सरकार जो है ये पूरी तरह जो है गूंगी और बहरी बन गई है और आम आदमी की आवाज़ को बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी भी इसकी खिलाफत कर रही है और आने वाले समय में एक आधे दिन में इस पर हम लोग जो है रणनीति तैयार करेंगे और किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हम जो है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस भी पूरी तरह तैयार है। वहीं सांसद केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सांसद केवल अपने वरिष्ठ नेताओं की आंखों में अच्छे बनने के लिए गांधी परिवार पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी दिलवाने के साथ प्रगति करवाने में गांधी परिवार ने पूरा योगदान दिया है और इसी परिवार ने देश के लिए शहादतें भी दी हैं। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने पहले भी हिमाचल का नाम अपनी अभद्र टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा देकर धूमिल कर चुके हैं। देखिए अनुराग ठाकुर जी, हमीरपुर पार्लियामेंट के लोगों ने चौथी बार संसद में भेजे हैं और इनका एक ही काम है कि संसद में जाके गांधी परिवार को गालियां निकालनी है और गांधी परिवार को गालियां निकाल के जो है वो अपने जो बॉसेस हैं, अपने जो नेता हैं, उनकी आंखों में जो है अच्छे बनना और अपने नंबर बनाना। और मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी समझ इनको होना चाहिए कि इस देश को आज़ादी दिलाने में गांधी परिवार का कितना योगदान है, इस देश को यहाँ तक ले जाने में गांधी परिवार का कितना योगदान है, इस देश के लिए गांधी परिवार ने कितनी साहतें दी, कितने गांधी परिवार के कितने लोग जो हैं जिन्होंने इस देश के लिए साहतें दे दी, ये शायद इनकी हिस्ट्री इन्होंने नहीं पढ़ी है। दूसरा, अगर गांधी परिवार को गालियां निकाल के ही देश का और इस पार्लियामेंट का भला हो सकता है तो इनको गालियां निकालनी चाहिए। परंतु बड़े शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा देते हैं, गलत हलफनामा देते हैं, उसके बाद उसको माफ़ी मांगते हैं और प्रदेश की बदनामी होती है। दूसरा, गोली मारो सालों को ऐसी ऐसी भाषा का रैलियों में इस्तेमाल करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन होता है। राजेंद्र राणा ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र में 9 महीने से लापता हैं और जनता की सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता केवल टीवी पर अपने सांसद को देखकर गुजारा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से दूर हो गए हैं और कोविड के दौरान भी जनता का दुख दर्द साझा नहीं करने आए। और अब बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि आज 9 महीने से हमारा जो इस संसदीय क्षेत्र का पार्लियामेंट का जो मेंबर पार्लियामेंट है वो इस पार्लियामेंट में उनको किसी को दर्शन नहीं हुए। जिन्होंने भी दर्शन करने हो कहते टीवी पे कर लो। अरे कोई हिंदुस्तान का एक भी ऐसा इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट नहीं होगा या कोई एमएलए नहीं होगा जो इस कोविड
काल में जहां ये महामारी 100 वर्षों के बाद फैली है और महामारी के दौर में इलेक्टेड आदमी अपने लोगों का हाल चाल पूछना ना गया हो, अपने लोगों की मदद ना की हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई एक भी इलेक्टेड आदमी हो। परंतु यहां के जो सांसद हैं वो 9 महीने से यहाँ के लोगों से दूर चले गए, कोई किसी की मदद नहीं की, लोगों के बीच में नहीं आए। और मुझे लग रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश के लोग इस बात को बड़ी करीबी से देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जिसको इन्होंने चुना, और उसके बाद जो है यहाँ के सांसद लोगों के बीच में 9 महीने से नहीं आ रहे हैं। और लोगों को कहा जाता है कि भैया आपको दर्शन करने हैं तो TV पे कर लो।